क्वेश्चंस के अंदर आपको ऐसे पूछा जाएगा कि आप ना एक वेइंग मशीन लेके खड़े हुए हो लिफ्ट के अंदर, और लिफ्ट चल रही है, कभी कहेगा नहीं चल रही, कभी कहेगा एक्सलरेट कर रही है, कभी कहेगा नीचे एक्सलरेट कर रही है, कभी कहेगा ऊपर एक्सलरेट कर रही है। आपको रीडिंग बतानी है उस वेइंग मशीन की कितनी है। अब आप एक छोटे बच्चे से पूछ आगे पूछ लो, 9th वाले 8th वाले से, कहेगा इसमें क्या बड़ी बात है, मैं घर में कर रहा था, मेरा वेट, मेरा मास 80 kg था, तो वेइंग मशीन kg नहीं मेजर करती, वो 80 × g, 80 g मेजर करती है, 80 न्यूटन, 80 g न्यूटन, तो वो वेट मेजर करती है, वेइंग वे मेजर करना, मास नहीं। तो जैसे एक वेइंग मशीन है, एक वेइंग मशीन के ऊपर एक बंदा खड़ा है, ये क्लेम करता है कि मेरा मास तो 80 kg है, तो ये नीचे की तरफ फोर्स क्या लगा रहा है, m × g, 80 × 10 यानी कि 800 न्यूटन, तो बदले में फ्लोर इसके ऊपर क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, ऑब्वियसली नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, एन ऊपर की तरफ, कोई डाउट इसमें। और क्योंकि ये वेइंग मशीन पे खड़ा है, और एक्शन और रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, तो इससे पूछा गया कि तूने कितनी फोर्स लगाई थी, 800 न्यूटन या 80 g, तो तेरे को रिएक्शन में कितना मिला, 80 g, 800 न्यूटन, तो रिएक्शन की वैल्यू भी एग्जैक्टली कितनी है इसमें, 800 न्यूटन या 80 g, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो वेइंग मशीन में अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है या ये सोच के क्वेश्चन सॉल्व करता है कि मेरा वेट, मुझे तो मेरा मास पता है, और मैं अपने मास को जी से मल्टीप्लाई करके mg निकाल लूंगा, और डाउनवर्ड mg एक्ट करेगा, और वही मेरा रिएक्शन, वही मेरी वेइंग मशीन की रीडिंग होगी, तो बिल्कुल सही सोचता है। पर लिफ्ट के अंदर गड़बड़ हो जाती है थोड़ी सी, लिफ्ट जब एक्सलरेट करती है तो वो ये स्टूडेंट बोलता है कि मेरा मास तो अभी भी m है, और मैं थोड़ा चेंज हुआ लिफ्ट के अंदर जाके, तो मेरा वेट तो अभी भी mg है, और जब मैं लिफ्ट के ऊपर एक वेइंग मशीन, एक लिफ्ट एक्सलरेट कर रही है जैसे इस केस में, तो फर्क कहाँ है, वही वेइंग मशीन है, वही मैं हूं, और मेरा मास थोड़ा ना चेंज हो गया, मेरा मास तो अभी भी 80 है, तो मेरी रीडिंग अभी भी क्या नहीं चाहिए, 80 g, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो आपका वे जो वेट है वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा इसको समझते हैं। जब आप लिफ्ट में ऊपर एक्सलरेट और नीचे एक्सलरेट कर रहे होते हो तो नॉर्मल रिएक्शन चेंज होते हैं, इसलिए वेइंग मशीन की रीडिंग चेंज होती है। तो कोई भी स्टूडेंट पहले तो ये नहीं कहेगा कि क्योंकि मेरा पास एम है तो मेरा वेट हमेशा एमजी आएगा, ये आपकी अप्रोच ही गलत है। आपको जब आपको ये पूछा जाएगा कि लिफ्ट के अंदर आपका वेट कितना है, तो कोई ये ना कहे कि लिफ्ट में मेरा मास तो एम है और मेरा आंसर एमजी आएगा, नहीं आएगा। आपको वेइंग मशीन वाले क्वेश्चन में एन की वैल्यू निकालनी होती है, एन एमजी नहीं बोलना, आपने क्या निकालना है, एन निकालना है। अगर तो एन एमजी के इक्वल हो गया फिर तो आपका आंसर एमजी है, लेकिन कभी कभी एन एमजी के इक्वल नहीं होता। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। सपोज करो एक स्टूडेंट है, वो कहता है कि जी मेरा वेट तो 80 kg है, ठीक है 80 kg है, और मैंने कहा तेरा वेट कितना है, कहता है 80 × g, 80 × 10, 800 न्यूटन। आप तोल लो चाहे अभी यहां पे अर्थ के ऊपर, रखो मशीन, 800 न्यूटन रीडिंग आएगी। मैंने कहा ठीक है खड़ा हो जा, इसको खड़ा किया, बट क्या हुआ, मैंने इसके शोल्डर से ना इसको ऊपर से फोर्स दी हुई है 700 न्यूटन, इसको पता नहीं लग रहा, मैंने पकड़ लिया इसे ऊपर से, ठीक है थोड़ी बहुत नीचे लगा रहा है, पैर तो टच हो रहे हैं, पूरा जोर नहीं लगा पा रहा, तो 700 न्यूटन की फोर्स से मैंने इसको ऊपर खींचा हुआ है। वेइंग मशीन पे जोर कितना पड़ा, 800 न्यूटन एक्चुअल वेट था, 700 ऊपर खींच लिया, बचा कितना 100 न्यूटन, तो वेइंग मशीन पे 100 न्यूटन की फोर्स लगी, तो वेइंग मशीन शो क्या करेगी, वेट 800 न्यूटन नहीं 100 न्यूटन। आपको कि तेरा वेट कम आ रहा है, सही बोल रहा हूं। तो अगर इससे पूछा जाता कि तेरा वेट कितना है, ये तो हमेशा कहेगा m × g, 800 न्यूटन, लेकिन वे करते हुए इसका वेट क्या आ रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब हम जब रीडिंग लेते हैं वो m × g नहीं लेते, कभी वेइंग के केस में हम क्या लेते हैं, हम नॉर्मल रिएक्शन लेते हैं, हम ये बोलेंगे कि 800 न्यूटन का तो एक्चुअल वेट है, पर जब इसने वेइंग मशीन पे पैर रखा तो 700 न्यूटन ऊपर की तरफ फोर्स किसी ने लगाई, तो इसने इसके फ्लोर पे, वेइंग मशीन के फ्लोर पे जो वेट लगा वो सिर्फ 100 न्यूटन की फोर्स लगी, तो वेइंग मशीन ने भी बाय रिएक्शन एन कितना शो करना है, 100 न्यूटन। देखो वेइंग मशीन को क्या लेना देना, इसको किसने उठाया, उसको तो ये मतलब है कि मेरे पे कितना जोर लगा 100 न्यूटन, तो नॉर्मल रिएक्शन 100 न्यूटन। क्लियर है यहां तक? तो सारी गेम किसकी है, एन की। तो आपको वेइंग वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है, एन निकालना है, कोई ये ना कहे कि m × g है मेरा आंसर आ गया।
मैं करके दिखाता हूं कैसे, क्लियर है यहां तक। जैसे सपोज करो पहला केस है, पहले केस में मान लो लिफ्ट है और एक वेइंग मशीन लेके एक मैन लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है और इसका वेट एक्चुअल कितना है, एक्चुअल, एक्चुअल का मतलब है एमजी, और इसमें रिएक्शन कितना लग रहा है ऊपर फ्लोर की वजह से एन, लिफ्ट रेस्ट पे है। अब आप ये कहे कि मैं तो लिफ्ट के अंदर अपने आप को वे करूंगा, कोई कह रहा है कि यार लिफ्ट के अंदर के दरवाजे खोल के पे क्यों करेगा भाई, तू यही कर ले करके, वो कह रहा है मेरे को लिफ्ट के अंदर ही करना है, तो लिफ्ट के अंदर कर ले। अगर लिफ्ट चल नहीं रही, आप अपने घर में वे कर लो या लिफ्ट के अंदर कर लो, बात तो एक ही है, लिफ्ट जब चल ही नहीं रही तो आपका आंसर एग्जैक्टली क्या आएगा, एम जी। ऑब्वियसली एन इज इक्वल टू एम जी, फिर चेंज क्यों होगा, क्योंकि आपने नीचे वेट लगाया एम जी और नॉर्मल रिएक्शन क्या मिला एन, और ये मैन किस पे एट रेस्ट, एन इज इक्वल टू एम जी, को डाउट इस पॉइंट, क्लियर है यहां तक। तो मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से फर्दर करके दिखाऊंगा जब लिफ्ट चलेगी। पहला तरीका है ग्राउंड फ्रेम, कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आंसर दूंगा, और दूसरा तरीका है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट फ्रेम। अब दोनों में क्या फर्क है, दोनों में ये फर्क है कि मान लो आप ये पूरा पूरा सिनेरियो देख रहे हो इस बेंच पे बैठ के, और बेंचेस लाएंगे एट रेस्ट ग्राउंड पे बैठ के, और आप अपने कैलकुलेशन यही बैठ के करना चाहते हो, और दूसरा तरीका है कि आपको मैंने यहां नहीं बिठाया, आपको मैं लिफ्ट के अंदर ले गया और मैंने कहा लिफ्ट में खड़े होकर अपना आंसर दे। देखो न्यूटन की वही सेम प्रॉब्लम, तो फ्रेम चेंज कर दिया, पहला फ्रेम मैंने क्या रखा ग्राउंड फ्रेम, दूसरा फ्रेम मैंने क्या रखा लिफ्ट का फ्रेम, कि लिफ्ट में खड़े होकर आपको कैसा आप आंसर कैसे दोगे, और दूसरा आप ग्राउंड पे खड़े होकर आंसर कैसा दोगे। जब आप ग्राउंड में खड़े हो, ग्राउंड रेस्ट पे है, तो आपका फ्रेम क्या है इनर्शियल, लेकिन अगर लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है और आप लिफ्ट को देखते हुए आंसर दोगे तो आपका फ्रेम क्या माना जाएगा नॉन इनर्शियल। तो न्यूटन ने हमें कुछ तरीका बताया कि आप दोनों सिनेरियो में काम कर सकते हो, चाहे ग्राउंड में बैठ के करो चाहे लिफ्ट में बैठ के करो। तो मैं आपको दो तरीकों से करके दिखाऊंगा, आंसर दोनों में सेम आएगा, इन फ्यूचर आपकी मर्जी है आपको कौन सा मेथड पसंद आता आप एक फॉलो कर लो, ठीक, पर सीखना आपको दोनों पड़ेगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो पहला तरीका, आप यहीं बैठो आराम से और आप यहीं बैठ के अपने आंसर्स दो, यानी कि आपका फ्रेम क्या है ग्राउंड फ्रेम और आप इनर्शियल फ्रेम में काम कर रहे हो। अब हुआ क्या कि सपोज करो लिफ्ट, मान लो एक मिनट के लिए पहले ये केस सॉल्व करते हैं, लिफ्ट ऊपर जा रही है, आपको लिफ्ट से क्या लेना, आपको तो मैन से लेना देना, तो आपसे पूछा ये बंदा आपको, आप यहीं बैठो बेंच पे, आपको ये बंदा ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, जब आप नीचे ग्राउंड पे बैठे हो तो आपको ये बंदा ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, आप कहोगे देखो ये बंदा, ये मैन ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है विद ए, ये मैन ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है विद ए, कोई डाउट इसमें, आपको ऐसे लगेगा। देखो लिफ्ट को छोड़ो, लिफ्ट शीशे की बनी हुई है, आपको सिर्फ मैन को देखना है, आप कहोगे मैन ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, यही आंसर होगा। तो आप कहोगे देखो इस मैन ने नीचे जरूर वेट लगाया होगा एम जी, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं एम जी, और फ्लोर ने इसके ऊपर क्या लगाया होगा नॉर्मल रिएक्शन एन। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप लोग कैसे बनाएंगे, आपको लिफ्ट के फ्रेम से क्या लेना, आप मैन को देखो, आप ये मैन है, मैन नीचे वेट कितना लगा रहा है एम जी और नॉर्मल रिएक्शन कितना है एन, और ये मैन आपको बेंच पे बैठे हुए लग कहां रहा है, कहां जा रहा है ऊपर, और ऊपर क्या कर रहा है एक्सेलरेट, ये फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है, कोई डाउट इसमें। तो फिर आप लोग आप ये बोलोगे यहां बैठ के आराम से, देख वो इसलिए ऊपर जा रहा है या ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर दो फोर्सेस हैं, एक ऊपर की एक नीचे की, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर की फोर्स शुड बी ग्रेटर देन नीचे की फोर्स, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो एन मस्ट बी ग्रेटर देन एम जी, तो नेट फोर्स बोलो कितनी है इसमें एन माइनस एम जी, और नेट फोर्स न्यूटन का सेकंड लॉ इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहां से एन की वैल्यू आ गई, एम जी राइट चला गया, एम जी प्लस एम ए, तो वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा देगी, आपका एक्चुअल वेट एम जी था पर आपको कितना फील होगा एम जी प्लस एम ए, एम जी इसे ओपन करो एम जी प्लस एम ए, आपको वेइंग मशीन पे जो रीडिंग मिलेगी, अगर आपका एक्चुअल वेट m into g 800 न्यूटन है ना, हो सकता है आपको लिफ्ट 800 न्यूटन से ज्यादा रीडिंग शो करेगा, ये आंसर आएगा n, कोई डाउट इसमें। तो जब भी लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करेगी तो आपका आंसर क्या होगा m into g प्लस से, याद रखना है m into g प्लस से जब ऊपर एक्सेलरेट करेगी, कोई डाउट इसमें, हाँ ये फॉर्मूला ही बन गया m into g प्लस से, लिफ्ट का वेट तो लेते नहीं, हाँ जीरो लेंगे हम, हमारा मतलब नहीं लिफ्ट का कितना वेट है, मैन से मतलब है मैन का वेट निकालना है, लिफ्ट का वेट नहीं निकालना, एमजी हो जाएगा, मैन का एक्चुअल वेट तो एमजी है ना, जो अब वेट निकला वो एक्चुअल थोड़ा निकला, वो तो लिफ्ट की वजह से चेंज हो गया, इसलिए इस वेट का दूसरा नाम क्या है
एपरेंट वेट, नॉर्मल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एपरेंट वेट, जब वो चेंज हो जाता है। क्या स्टेप क्लियर है? फिर देखते हैं एक बार, मान लो इस बार ये मैन नीचे आ रहा है, जब ये नीचे आएगा तो ग्राउंड नीचे आएगा, तो आपको ये मैन नीचे, आप कहोगे दो फोर्सेस है, एक mg और एक n, और ऐसा लग रहा है क्योंकि नीचे इसलिए एक्सेलरेट कर रहा है क्योंकि नीचे की फोर्स शुड बी ग्रेटर देन ऊपर की फोर्स। नीचे की फोर्स कितनी है mg, ऊपर की कितनी है n, तो नेट फोर्स कितनी है mg माइनस n, और नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन क्लियर है? mg माइनस n इज इक्वल टू ma, तो यहां से n कितना आ गया, m इनटू g माइनस a। कोई डाउट इसमें? तो आपको आपका वेट mg माइनस ma कम फील होगा, तभी तो जब आप लिफ्ट या किसी झूले से नीचे गिरते हो एक्सेलरेट करते हुए, आपको बहुत ही अजीब फीलिंग आती है m into g minus a, m into g plus a फिर भी ठीक लगता है। जब ऊपर जा रहे हो भारी में कोई दिक्कत नहीं, आपके पैर नीचे लगे होते हैं, लेकिन जब नीचे गिरते हो तो फिर आपको वेट, आप हल्के फील करते हो अपने आप को, और वो फीलिंग थोड़ा ठीक नहीं लगती थोड़ी कईयों को, और वो कहते हैं बस झूला रोक दो, मुझे नीचे उतार दो। तो ये यही फीलिंग है, जितना ज्यादा a होगा उतना उसका वेट कम हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? और हमारी बॉडी को आदत है किस में रहने की, n इज इक्वल टू mg में रहने की, बस n इज इक्वल टू mg रहे। वो हल्का सा एक्सेलरेट होता है तो हमें अजीब लगना स्टार्ट हो जाता है कि या तो वो प्लेन नीचे उतर रहा है या प्लेन ऊपर जा रहा है, कुछ ऐसी फीलिंग सी। या लिफ्ट ऊपर जब तेज, लिफ्ट से बेटर है वो झूले वाला एग्जांपल ज्यादा बेटर है, उसमें ज्यादा स्ट्रांग फीलिंग आती है, तो कुछ ऐसा केस है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? रॉकेट में तो नहीं बैठेंगे, नॉर्मल झूला झाले की बात कर लेते हैं। अच्छा चल, झूला टूट गया, लिफ्ट टूट गई, इससे ऊपर क्या होगा यार? लिफ्ट की रस्सी टूट गई और तो नीचे गिर रहा है कोई 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 20 मंजिली इमारत से। अब क्या करेगा? ए जी को कर देगा, जी के इक्वल हो जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? जीरो। तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो समझते हो कि तुमने जमीन पे कोई जोर लगाया ही, लगाओगे कहां से, तुम तो हवा में उड़ रहे हो, क्योंकि जब रस्सी टूट जाएगी हर कोई हवा में उड़ेगा, पैर नीचे जमीन पे लगेंगे तब ना, इसको बोलते हैं वेटलेसनेस की कंडीशन हो गया, मेरा वेट जीरो हो गया, मैं उड़ रहा हूँ। अब उड़ो फिर, ठीक है फिर उड़ो, लिफ्ट टूटेगी तो उड़ो गई, वेटलेसनेस, एन इज इक्वल टू जीरो। मेथड चेंज करते हैं, कईयों को ये मेथड पसंद नहीं आएगा, सेकंड पसंद आएगा, कईयों को फर्स्ट ही ठीक है, बट पता होना चाहिए सेकंड के बारे में। अब एक काम करते हैं, हम लिफ्ट के अंदर चलते हैं, चलो ये लिफ्ट के अंदर गए, या फिर खुद ये मान लो मैं ही हूं और लिफ्ट रेस्ट पे है, और मेरे से किसी ने पूछा कि और जो पूछने वाला है वो भी लिफ्ट के अंदर ही, ऑब्वियसली उसको मैं रेस्ट पे नजर आ रहा हूं, क्योंकि अब हमने किस फ्रेम में काम करना है, लिफ्ट। अब लिफ्ट के अंदर, अब इमेजिन करो आप बेंच पे नहीं हो, आप ऐसे देख नहीं रहे हो, इमेजिन करो कि ये क्लासरूम एक लिफ्ट है और ये विंग मशीन है, हम यहाँ बैठे हैं, ठीक। तो आप, अब हम लिफ्ट के अंदर हैं और मैंने विंग मशीन नीचे रख ली, लिफ्ट रेस्ट पे है, आप रेस्ट पे हो, सब रेस्ट पे है, तो मैंने वेट कितना लगाया एम जी, और नॉर्मल रिएक्शन क्या मिला एन, तो एन इज इक्वल टू एम जी, कोई दिक्कत नहीं है, पहला केस तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन इमेजिन करो अब लिफ्ट क्या कर रही है, ऊपर एक्सेलरेट कर रही है, आप भी एक्सेलरेट कर रहे हो मेरे साथ क्योंकि आप लिफ्ट के अंदर हो, मैं भी लिफ्ट के अंदर हूं, मैंने वेइंग मशीन लगाई, तो आपने क्या कहा, क्या फर्क पड़ता है, मशीन भी वही, वे करने वाला बंदा भी वही, फर्क कहां है? फिर n इज इक्वल टू mg, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मैं किस पे हूं, एट रेस्ट, क्योंकि आप मेरे साथ ही एक्सेलरेट कर रहे हो। तो आपके हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए था, n इज इक्वल टू mg, पर वो आंसर गलत माना जाएगा, क्योंकि न्यूटन ने क्या सिखाए थे, सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसने कहा था अगर आप लिफ्ट या ट्रेन के अंदर जाके काम करते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी इन न्यूमेरिकल्स में, अगर आप अर्थ पे नहीं, अगर आप लिफ्ट में जाके काम करते हो या किसी भी बॉडी, एक्सेलरेटेड बॉडी के अंदर काम करते हो, क्योंकि वो बॉडी क्या मानी जाती है, नॉन इनर्शियल, क्योंकि आप किस फ्रेम में काम कर रहे हो, नॉन इनर्शियल। तान्या क्लियर है? तान्या, नॉन इनर्शियल। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में उसने कहा था कि अगर आप सीधा मेरा लॉ लगा दोगे n इज इक्वल टू mg, आपका आंसर कभी भी सही
नहीं आएगा। अगर आप सही करना चाहते हो तो क्या लेनी पड़ेगी, नॉन रियल फोर्स, जो किसी ने लगाई नहीं लेकिन फिर भी लेनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं सूडो फोर्स। तो एक काम करते हैं, क्योंकि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो इसमें आप कंसिडर करनी पड़ेगी सूडो फोर्स। लिफ्ट क्योंकि ऊपर एक्सलरेट कर रही है तो सूडो फोर्स की डायरेक्शन नीचे एम ए। तो अब आपने, मैंने आपको बताया कि मेरा वेट एम जी है और मैं क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ सूडो फोर्स, और नॉर्मल रिएक्शन कितना है एन। पर क्योंकि आपको मैं किस पे नजर आऊंगा, एट रेस्ट, आप अभी भी यही कहोगे कि आप इसलिए रेस्ट, मैं इसलिए रेस्ट पे हूं क्योंकि ऊपर की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्स। अब ये नहीं कहोगे एन माइनस एम जी एम ए, क्योंकि आपको तो एक्सेलरेशन दिख ही नहीं रही, आपको तो ये फील हो रहा है कि एम ए लग रहा है, तो एन मस्ट बी इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, आंसर वही आएगा। आपकी मर्जी है, अगर आप ग्राउंड पे बैठ के काम करना चाहते हो मत लो सूडो फोर्स, आप इनर्शियल फ्रेम में हो, लेकिन अगर आप लिफ्ट के अंदर जाके काम करना चाहते हो, फिर न्यूटन ने कहा था ऐसे मत कर देना, ये मत कहना कि मैं रेस्ट पे हूं, अगर बोलना है रेस्ट पे हूं तो फिर कंसिडर करनी पड़ेगी सूडो फोर्स। आपको जो मेथड पसंद है चलेगा, पहला ठीक है कि दूसरा ठीक है, दोनों ठीक है। देखो जब हम लिफ्ट के ऊपर है और आप मेरे साथ लिफ्ट के अंदर हो, एम जी और एन तो लगेगा, न्यूटन ने क्या कहा था, क्योंकि ये लिफ्ट एक्सेलरेटेड मोशन है और आप लिफ्ट के बाहर काम नहीं कर रहे हो, अंदर काम कर रहे हो, तो आपको सूडो फोर्स लेनी पड़ेगी। क्योंकि मैं अभी भी रेस्ट पे ही हूं आपके हिसाब से, क्योंकि आप खुद लिफ्ट में हो, तो आप मुझे क्या बोलोगे, एन इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। लेकिन अगर मैं नीचे आ रहा हूं एक्सेलरेट करता हुआ, तो अब क्योंकि आप लिफ्ट में हो मेरे साथ, मैं अभी भी आपको रेस्ट पे नजर आऊंगा, और अगर आपने सूडो फोर्स नहीं ली आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि आप लिफ्ट में आके काम कर रहे हो और लिफ्ट क्या कर रही है एक्सेलरेट। तो न्यूटन ने क्या कहा था, क्या लेनी है इसमें सूडो फोर्स, क्योंकि लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रही है तो सूडो फोर्स कहां लगेगी, ऊपर एम ए ऊपर लगेगी। और आपके हिसाब से मैं अभी भी रेस्ट पे हूं तो सम ऑफ ऑल ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स, यानी कि एम ए प्लस एन इज इक्वल टू एम जी, तो एन का फॉर्मूला आ गया एम इन टू जी माइनस ए। पॉइंट क्लियर है, कितने लोगों को हाथ खड़ा करो मेथड नंबर वन ठीक है, कितनों को टू ठीक है, कितनों को दोनों ठीक है, और कितनों को दोनों ठीक नहीं है। जिनको दोनों ठीक नहीं है वो एक शॉर्टकट याद करें, जिन भी क्वेश्चन में लिफ्ट के क्वेश्चंस आएंगे, जब लिफ्ट के क्वेश्चंस आएंगे कोई मर्जी क्वेश्चन आ जाए, तो जहां पर भी लिफ्ट ऊपर एक्सलरेट करेगी वहां पर जी अकेला नहीं आएगा, जी प्लस ए आएगा, और जिन क्वेश्चन में लिफ्ट नीचे एक्सलरेट करेगी वहां पक्का जी माइनस ए आएगा। इस कॉन्सेप्ट को मैं सीधा लगा के दिखाता हूं बिना इस थ्योरी के, देखो। लेकिन उससे पहले एक और प्रॉब्लम बता दूं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लिफ्ट नीचे आ रही है लेकिन एक्सलरेट नहीं कर रही, उल्टा क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है। हमने फॉर्मूला नॉर्मल रिएक्शन का क्या सीखा, एक्सलरेशन का, कि अगर लिफ्ट नीचे एक्सलरेट कर रही है फॉर्मूला क्या लगाना है, नॉर्मल रिएक्शन या एपरेंट वेट का एम इन टू जी माइनस ए। पर अगर वो रिटार्ड कर रही है तो ए की वैल्यू को पॉजिटिव नहीं, ए की वैल्यू को क्या पुट करना पड़ेगा, नेगेटिव, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। वो देखना पड़ेगा न्यूमेरिकल में कि एक्सेलेरेशन या रिटार्डेशन। आप दो फॉर्मूले एक्सेलेरेशन के याद करो, एम इन टू जी प्लस ए, एम इन टू जी माइनस ए। अगर रिटार्डेशन होगा तो ए को हम स्ट्रेट वे क्या पुट कर देंगे, माइनस। क्लियर। अब मैं आपको लगा के दिखाता हूं इस कॉन्सेप्ट को। सपोज करो एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना है, थीट है। एक ब्लॉक को ऑफ फ्रिक्शन कोई नहीं है, एक ब्लॉक को आपने यहां पर रख दिया विद इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ब्लॉक को छोड़ दिया, ब्लॉक एस डिस्टेंस कवर करता हुआ नीचे आ गया। आपको टाइम बताना है कि कब ब्लॉक नीचे आएगा, तो आप इस पूरी जर्नी के लिए अप्लाई करो एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और मैंने आपको उस लेक्चर में कराया था इंक्लाइन प्लेन के केस में कि वैसे तो एक्सलेशन जी होती है, पर इंक्लाइन के केस में एक्सलेशन नीचे की क्या होती है, जी साइन थीटा। याद है हमने किया था ये लेक्चर में, मैंने आपको बोल के भी दिखाया था कि अगर सीधी नीचे गिर रही है तो जी, तो इंक्लाइन प्लेन पे आ रही है तो जी साइन थीटा। वैसे भी सबको पता है कि फोर्स नीचे की तरफ क्या होती है, एम जी, साइन थीटा को मास से डिवाइड करेंगे जी साइन थीटा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम है जी साइन थीटा लेना, और ऐसा न्यूमेरिकल मैंने ऑलरेडी आपको करके दिखाया भी है इंक्लाइन प्लेन में। तो आप इसमें अप्लाई करो एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की जगह एस हाफ जी साइन थीटा टी स्क्वायर, टाइम आ गया। गुड आउट इसमें, तो टाइम कितने टाइम में ब्लॉक नीचे आएगा, ये आ जाएगा। क्वेश्चन चेंज कर दिया, फिर से क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो कि ये ब्लॉक कितनी देर में नीचे आएगा, जब पूरे का पूरा सिस्टम किसमें पड़ा हुआ है, इन अ लिफ्ट, और लिफ्ट नीचे की तरफ क्या कर रही है, एक्सलरेट। फिर सेम क्वेश्चन, फिर ब्लॉक को रिलीज करो
और टाइम निकालो नीचे आने का। डिफरेंस समझ में आया? अब पहले रेस्ट पे पड़ा हुआ इंक्लाइन प्लेन था और ब्लॉक नीचे आ रहा था, और इस बार क्या हो रहा है, इसमें लिफ्ट के अंदर सेम प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा और टाइम निकालना है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया, लिफ्ट वाले केस में अगर लिफ्ट नीचे आ रही है एक्सेलरेट करती हुई, तो जो फॉर्मूला हमने ऊपर निकाला था, इमेजिन कर लो कोई लिफ्ट का केस नहीं है, नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस में कितनी देर में ये बॉडी नीचे आती है, इतने ये हमने केस सॉल्व ऊपर किया। अगर लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है नीचे की तरफ, तो मैंने एक शॉर्टकट करवाया, जहां आपको जी दिख रहा है स्ट्रेट में रिप्लेस कर दो जी माइनस से, डन हो गया केस क्लोज। और अगर ये लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही होती तो जी की जगह जी प्लस से, इससे बढ़िया शॉर्टकट कोई नहीं है। जहां पहले लिफ्ट में मत डालो, ऐसी सॉल्व कर दो जी के साथ, और फिर लिफ्ट में डाल के या तो जी प्लस से या जी माइनस से, डन। इससे छोटा आंसर नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? कोई फ्री बॉडी डायग्राम नहीं, कुछ नहीं किया, सीधे ही आंसर आ गया। पर मैं आपको इसका एक्चुअल मेथड बता देता हूं, वैसे अगर करना पड़ जाए तो कैसे, एनसीईआरटी में तो नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव में ये हर कोई ये लगाएगा तो जरूरत नहीं पड़ती, पर फिर मैं बताता हूं कि ये कैसे है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये लिफ्ट, ये इंक्लाइन प्लेन है एट एन एंगल ऑफ थीटा, यू इज इक्वल टू जीरो, डिस्टेंस एस है, तो एक फोर्स नीचे की तरफ क्या लगती है, एम जी, एक फोर्स, और ये एंगल कितना है थीटा, एक फोर्स यहां पर क्या लगेगी एम जी कॉस थीटा, एक फोर्स यहां पर क्या लगेगी एम जी साइन थीटा, नॉर्मल रिएक्शन एन, यही है ना। अगर ये लिफ्ट इमेजिन करो ऊपर एक्सेलरेट करती है, तो ये प्लैंक भी ये जो इंक्लाइन प्लेन है ऊपर एक्सेलरेट करता है, और हमने क्या सीखा कि कोई भी कार अगर राइट एक्सेलरेट करती है तो जो भी सामान उसके ऊपर पड़ा हुआ है उसके ऊपर क्या लगेगी, सूडो फोर्स ऑपोजिट की तरफ। तो बिल्कुल वैसे ही जब ये इंक्लाइन प्लेन ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो इसके ऊपर जो ब्लॉक है इट विल एक्सपीरियंस अ सूडो फोर्स कहां, नीचे की तरफ। तो इसकी सूडो फोर्स कहां लगेगी, नीचे लगेगी, बोलो कितनी लगेगी, एम इंटू बॉडी का मास इंटू लिफ्ट की एक्सेलरेशन, एक्स्ट्रा फोर्स लग रही है इसमें। अगर लिफ्ट मूव ना करती तो ए जीरो होता, सूडो फोर्स भी नहीं लगती, पर क्योंकि लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है तो सूडो फोर्स नीचे एक्सपीरियंस करेगा ये ब्लॉक। जैसे एम जी के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, उसी तरीके से अब एम ए के भी दो कॉम्पोनेंट्स हैं, एम ए कॉस थीटा और इस तरफ कितना एम ए साइन थीटा। तो ये बताओ कि कितनी एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रहा है। एक्सेलरेशन क्या होती है, टोटल फोर्स एम जी साइन थीटा प्लस एम ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय टोटल मास एम। तो एक्सेलरेशन नीचे आने की बोलो क्या आएगी, जी साइन थीटा प्लस जी सॉरी प्लस ए साइन थीटा, मतलब इन शॉर्ट जी प्लस ए साइन थीटा। तो यानी कि जो पिछली प्रॉब्लम है जहां पर एक्सेलरेशन सिर्फ जी साइन थीटा यूज करते थे, वहां पर एक्सेलरेशन अब क्या यूज करेंगे, जी प्लस ए साइन थीटा। तभी तो जहां एक्सेलरेशन जी साइन थीटा है वहां पर अब डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जी प्लस ए साइन थीटा। तो मेरे ख्याल से ये शॉर्टकट ज्यादा बेटर है, कौन बनाएगा ये फोर्सेस, जरूरत ही नहीं है इन फोर्सेस की। तो जहां जहां आपको जी नजर आएगा वहां ऑटोमेटिकली हम क्या पुट कर देंगे, या तो जी प्लस से या जी माइनस से। तो ये शॉर्टकट याद रहेगा ऑब्जेक्टिव्स का, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक? पर एक्चुअल तरीका मैंने बता दिया आपको कैसे करना है, डाउट है?
देखो तो अगली बार टेस्ट है इसका, फ्री बॉडी डायग्राम्स आपको बनाने हैं। दो लेक्चर में जितना भी काम हुआ उनमें से कोई भी एक स्पेशल मैं आपको केस दूंगा, दो लेक्चर कनेक्टेड मोशंस, एक 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 केस दूंगा, न्यूमेरिक ऑब्वियसली वैल्यूज चेंज करके दूंगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, वैल्यूज चेंज होके आएंगी, बट पॉइंट क्लियर है यहाँ तक तो पढ़ के आना है अगली बार। तो ये स्टेप क्लियर है सबको कि जी प्लस ए जी